नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देश में जब भी कोई नई सरकार आती है तो लोगों से काफी लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं। हर वर्ग के लोगों को लुभाने की काफी ज्यादा कोशिशें भी होती हैं। इसमें से कुछ लोगों के सपने पूरे होते हैं और कुछ इसी उम्मीद में रहते हैं कि सत्ता पर काबिज होने वाले लोग उनकी परेशानियों को कम करते हुए उनके सपनों को पूरा करेंगे। वहीं आज हम आपको एक ऐसी ही पार्टी के बारे में बताएंगे जो आम आदमी के हर सपने को साकार करने का दावा कर रही है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अपनी हर परेशानी को दूर करने के लिए आम जनता शासन और प्रशासन का दरवाजा खटखटाती है और लोगों को यही उम्मीद रहती है कि सत्ता पर बैठे लोग उनकी परेशानियों का हल चुटकियों में कर देंगे। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है और कभी कभी लोगों के हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जो आम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है और लोगों की हर समस्या का हल निकालने का दावा करते हुए ताल ठोक कर मैदान में उतर आई है। जी हाँ, इस पार्टी का नाम है भारतीय जन जागरण पार्टी। पार्टी की ओर से कहा गया है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए इसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है। आम लोगों का एक ही सपना होता है कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ अच्छी शिक्षा और खाना मिले। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज ने ही ऐलान करते हुए भारतीय जन जागरण पार्टी का गठन किया है और इस पार्टी का एक ही संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो प्रशासन और अब जनता का होगा शासन। जन जागरण पार्टी आम लोगों के लिए हर समय खड़ी है। अब पार्टी के लोग हर महीने आम लोगों के बीच जाकर उनकी बातों को सुनेंगे। इसी के साथ पार्टी ने यह भी ऐलान किया है कि लोगों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएंगी। पार्टी मेरा ये है, सोच हमारी पार्टी की कि हम जनता द्वारा बनाए गए हैं, जनता के पास, जनता के द्वार और जनता के पास पहुंचकर हम वहां से उनके कार्य उनकी सेवा करने का लक्ष्य है। यह मेरा लक्ष्य होगा कि शिक्षा और चिकित्सा, जो बच्चा जन्म लेता है अगर वो पैदा हो गया भारतवर्ष में, उसकी शिक्षा और चिकित्सा की जिम्मेदारी हमारे सरकार की और हम लोग वहाँ उनके द्वार पे ये सुविधाएं पहुँचाने का काम करें। सब हो गया कार्य न करें, हमारे जो संकल्प हैं ये प्रपत्र में छपे हुए हैं। इसके अलावा हम जनता के बीच में जांच करके अपनी फरियाद सुनाएंगे और उनकी समस्याओं को का निस्तारण करेंगे। करने के बाद यदि हम अपने में सक्षम समझते हैं कि हम पार्टी में अपने प्रतिनिधि पार्टी से उतारें तो हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे। मगर अभी समय जो है, मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि नहीं चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी, क्योंकि अभी वक्त है हमारे पास। लगभग हमारी पार्टी से, क्योंकि हमारा संगठन पहले से चल रहा था, तो मतलब हमारे साथ जो है अन्य लोग भी और ज्यादातर ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से चल रहा था, लोग समझ रहे थे कि ये ब्राह्मणों की संस्था है। तो लगभग यूपी में हमारे पास दसियों हजार की जो है तो मेंबर। अब अगर देश और समाज में जन जागरण पार्टी जैसी कई पार्टियां होंगी तो आम आदमी का हर सपना साकार होगा। इस पार्टी से भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि वो लोगों की हर परेशानी में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।